ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद नई दिल्ली के डीन रिसर्च प्रोफेसर महेंद्र व्यास ने कहा कि आयुर्वेद चिकित्सा के प्राचीनतम उपाय आज भी कारगर हैं और भविष्य में भी रहेंगे। आचार्य चरक ने 3000 वर्ष पूर्व उन व्याधियों का इलाज भी बता दिया था जो वर्तमान काल में आई। आयुर्वेद में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर बीमारी का इलाज है। प्रोफेसर व्यास बुधवार को महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय आरोग्य धाम की संस्था गुरु गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आयुर्वेद कॉलेज में BMS प्रथम वर्ष के नवागत विद्यार्थियों की दीक्षा पाठचर्या ट्रांजिशनल करिकुलम समारोह के तीसरे दिन आयुर्वेद का इतिहास दर्शन एवं अवधारणा विषय पर ऑनलाइन व्याख्यान दे रहे थे। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद विशुद्ध भारतीय चिकित्सा पद्धति है। इस पद्धति में इलाज से किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता। आयुर्वेद के अनुसार स्वास्थ्य जीवन के लिए व्यवस्थित दिनचर्या, संतुलित आहार और पूर्ण निद्रा आवश्यक है। जिन लोगों ने कोरोना काल में सही दिनचर्या का पालन किया वह संक्रमण से बचे रहे। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति से अधिक कारगर है। कोरोना संकट में पूरी दुनिया ने इसे देखा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोरोना की दूसरी लहर में कई लोगों की मृत्यु अंग्रेजी दवाओं की अधिकता के कारण हुई, जबकि आयुर्वेद की दवाएं किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाती। प्रोफेसर व्यास ने कहा कि आयुर्वेद की महत्ता को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसके लिए एक रिसर्च सेंटर खोलने का निर्णय लिया है। भारत में नीति आयोग की तरफ से एलोपैथ और आयुर्वेद को एक साथ बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद की जिन बातों को कल्पनीय मान लिया जाता था वे आज भी प्रमाणित हैं। मसलन मेगा सूत्र बच्चों की मेमोरी को बढ़ाने में कारगर है, यह आयुर्वेद की देन है। दिल्ली के कुछ अस्पतालों में कोमा में रहे मरीजों की चेतना को महामृत्युंजय एवं गायत्री मंत्र से जागृत किया गया। उन्होंने BMS के छात्रों से कहा कि वे सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें स्पष्ट विजन, सुदृढ़ संसाधन और शानदार वातावरण वाले गुरु गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में अध्ययन का अवसर मिला। एक अन्य सत्र में रिसेंट एडवांसेज इन आयुर्वेद विषय पर अपना वक्तव्य देते हुए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के प्रोफेसर के रामचंद्र रेड्डी ने मधुमेह की आयुर्वेदिक दवा पर अपने शोध से विद्यार्थियों को रूबरू कराया। उन्होंने छात्रों के समक्ष एक तुलनात्मक नजरिया भी प्रस्तुत किया कि मधुमेह के इलाज में एलोपैथ और आयुर्वेद का अप्रोच क्या होगा। बताया कि आयुर्वेद बिना किसी नुकसान के मधुमेह प्रबंधन में एलोपैथ से अधिक प्रभावी है। उन्होंने बताया कि आयुर्वेद के ही क्षेत्र में हर्बल कॉफी पर शोध किया जा रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष वर्षा ने विद्यार्थियों को प्राकृतिक चिकित्सा की मूलभूत बातों को बारीकी से समझाया। विशेषज्ञ वक्ताओं का स्वागत गुरु गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के प्राचार्य डॉक्टर पी सुरेश ने किया। दीक्षा पाठचर्या समारोह में बुधवार के पहले सत्र में महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय आरोग्य धाम के कुल सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार राव ने संस्था के उद्देश्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कहा कि भारतीय की श्रेष्ठ भावना के धरातल पर अद्यानुतन ज्ञान, शोध व अनुसंधान का प्रसार और जनहित में उसका उपयोग संस्था का लक्ष्य है। उन्होंने संस्था के दायित्वों के साथ ही विद्यार्थियों के कर्तव्यों पर भी चर्चा की। कार्यक्रमों में प्रोफेसर डॉक्टर SN सिंह, प्रोफेसर डॉक्टर गणेश पाटिल, डॉक्टर सुमित, डॉक्टर प्रज्ञा सिंह, डॉक्टर प्रिया नायर आदि की सक्रिय सहभागिता रही। हर व्यक्ति हर चिकित्सक व्यक्ति को कह रहा था और आपको भी कहना चाहूंगा कि ये बात आयुर्वेद के जितने ग्रंथ है, चाहे वेद को ले लीजिए, पुराण, उपनिषद, इवन यहाँ तक कि हमारे हर व्यक्ति के घर में श्रीमद् भगवद गीता होगी और श्रीमद् भगवद गीता में उन्होंने 3 प्रकार के आहार बताए और उन आहार के नियम का बताया कि हर एक का पालन करते तो स्वस्थ रहेंगे। और वहां पर श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया याप यामम गत रसम पूर्ति परियोषितम चेतन उच्छिष्टम अपिचाप्यम भोजनम तापसम प्रियम। वहां पर उन्होंने बताया क्या चीज अपने को खाना क्या नहीं खाना है, क्या क्या नहीं खाना चाहिए। मैंने कहने का भी था कि हमेशा ताजा बना हुआ भोजन करना चाहिए और आयुर्वेद में बच्चों को बता था उत्तम मछली आता है, उत्तम मछली आपको बताओ तो तुरंत बना हुआ भोजन दे और इसमें इतना मछली आता जो अपने घर का दादी दूध दादी जो उसमें लेते हैं उसका प्रयोग करना। कहने का अभिप्राय ये है कि ये जो सिद्धांत बता रखे हैं आयुर्वेद, इन सिद्धांतों का पालन तब से व्यक्ति करता है। मैं केवल आयुर्वेद में बताया, फिलोसॉफी के जो हमारे ग्रंथ हैं, दर्शन के जो हमारे ग्रंथ हैं, अगर आपने किसी में माधुरी कालिदास का अवंश पढ़ा हो या वहाँ पर आज अगर देखा जाए तो 3500 वर्ष पूर्व
जो सिद्धांत बताया था वो सिद्धांत उस दिन भी उतना ही प्रासंगिक था और वो सिद्धांत आज भी उतना ही प्रासंगिक है। तो मेरे अभिप्राय ये है कि आयुर्वेद के जो सिद्धांत बता रहे हैं ये त्रिकांत अबाधित है। त्रिकांत अबाधित का मतलब आज से 2500 वर्ष पूर्व बताया था वो सिद्धांत उस दिन भी उतना ही कारगर था, आज भी वो सिद्धांत उतना ही कारगर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आयुर्वेद आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जिसको कोरोना जैसी महामारी में मेडिसिन ने तो अपने लोगों को ठीक किया ही है, लेकिन आयुर्वेद में जो आकार बता रहे हैं, अभी आपको मैं मत देना चाहूंगा कि एडमिट तो मैं डिग्री में जो कोरोना था उस समय ये इसके ऊपर से कोरोना के ऊपर से तो एम्स जो है दिल्ली का आने में मेडिकल था,